हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रियलमी ने रियलमी 8 डिवाइस में UI 3.0 का बीटा अपडेट ऑफिशियली प्रोवाइड करवा दिया है और इसी के साथ जो बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम है वो भी फ्री में अपडेट के साथ प्रोवाइड करवा दिया है। हालांकि दोस्तों, डिवाइस के बाकी के चीजों में ये जो अपडेट है ना वो बेस्ट है, लेकिन हमें लगता है दोस्तों UI 3.0 के बैटरी बैकअप के मामले में ना थोड़ा सा और UI 3.0 को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। हमने Realme 8 में UI 3.0 अपडेट को ना लगभग 14 से लेकर 15 दिनों तक काफी अच्छे से टेस्ट किया है और हमें इस अपडेट में कोई मेजर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है सिवाय बैटरी ड्रेनिंग के अलावा। अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिला है ना आपके डिवाइस में तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। फिलहाल हम आपको जो सॉल्यूशन है ना वो बता देते हैं, जहां पर दोस्तों आपको ना सबसे पहले डिवाइस के सेटिंग्स में जाना है, देन डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वीडियो कलर इनहेंसर का, जिसे भैया आपको ओपन कर लेना है। वेल गाइज, हम आपको बता दे ये जो फीचर है ना वो UI 3.0 के अपडेट के साथ बाय डिफॉल्ट ऑन मिलता है। अब देखो यार दोस्तों, ये जो फीचर है ना वो किसी भी वीडियो के कलर्स को और ओवरऑल डिवाइस के कलर्स को ना थोड़ा सा इनहेंस करता है, यानी कि शाइन और ब्राइट करता है। जहां पर भैया हम क्लियरली देख सकते हैं इस छोटी सी वीडियो क्लिप में, वीडियो कलर इनहेंसर को डिवाइस में ऑन करने के बाद जो पिक्चर्स की क्वालिटी है वो किस टाइप की देखने को मिलती है एंड वीडियो कलर इनहेंसर को डिवाइस में ऑफ करने के बाद जो पिक्चर्स की क्वालिटी है वो किस टाइप की देखने को मिल जाती है। वेल, हमने इस ऑप्शन को काफी समय तक यूज किया है और लास्ट में हमें ये रिजल्ट मिला है, जब डिवाइस में वीडियो कलर इनहेंसर ऑन होता है तब भैया जो बैटरी का यूजेस है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। लेकिन गाइस, जब डिवाइस में ना वीडियो कलर इनहेंसर ऑफ होता है तब भैया वीडियोस के प्लेबैक में ना जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो बहुत ज्यादा मिलता है और ओवरऑल डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है वो इंक्रीज होता है। तो बेसिकली दोस्तों, फिलहाल हम आपको रिकमेंडेट करते हैं डिवाइस में अल्ट्रा विजन इंजन को ना ऑफ रखो, जो बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। और एक बार UI 3.0 का स्टेबल अपडेट मिलने के बाद आई थिंक बैटरी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑलवेज बी स्माइल।